नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। मैं सिटी रिपोर्टर वरुण सोनी। जो जैसे कि रक्षाबंधन और ईद दोनों साथ आ रही है, तो आज हम देख लेंगे जो हमारे साथ हैं दिनेश कौशल ASP, जो उनसे हम बातचीत करेंगे, उनने कैसी क्या व्यवस्था करके रखी है जो अपना ओल्ड भोपाल है उस तरफ। आइए हम जानते हैं उनसे। सर, आपने ईद और रक्षाबंधन उस साथ आ रही है उसके ऊपर लॉकडाउन लगा है, तो आपने कैसी क्या, प्रशासन ने कैसी क्या व्यवस्था करके रखी है, बताएंगे थोड़ा। आपको ज्ञात है, सभी को भोपाल वासियों को विदित होगा कि 4 अगस्त तक 10 दिन के लिए लॉकडाउन भोपाल में किया गया है। उस मद्देनज़र हम लोगों ने जगह जगह पुलिस बल लगाया हुआ है, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पार्टी हैं, 4-पहिया वाहन चल रहे हैं। जहाँ तक त्यौहार की बात है, त्यौहार के दृष्टिकोण से हम लोग हर जगह बल व्यवस्था लगाएंगे, और जो माननीय कलेक्टर साहब द्वारा दिशा निर्देश दिए हैं, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिए हैं, उसका पालन पूरी तरह से करेंगे। आपके माध्यम से हमें पुनः ये अपील है कि जो त्यौहार हैं उसके तहत जो निर्देश दिए हैं माननीय कलेक्टर साहब और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, उसका पूरी तरह से पालन करें सभी लोग और लॉकडाउन का पालन करें। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान जी को भी कोरोना पॉजिटिव हुए, तो उसके बाद से आपको कैसा क्या लोड वगैरह आया ऐसा कुछ? देखिए, कोरोना का एकमात्र उपाय वर्तमान में बचाव ही है, इसलिए हम सब लोग मास्क लगाएं, हैंड ग्लव्स पहने, 20 सेकंड तक हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंस का अनिवार्य रूप से पालन करें, तो निश्चित रूप से हमारा बचाव हो सकता है। इसलिए कोरोना से हमें लड़ना भी है और हराना भी है उसको, तो सभी लोग पालन करेंगे तो निश्चित रूप से उसके तहत हम कोरोना को हरा पाएंगे। सिटी रिपोर्टर वरुण सोनी की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon.